दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स आईपीएल मैच नंबर 32 दोस्तों आज खेले जाने वाला है। और जैसा कि आईपीएल पे हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं ना, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे और इस मैच पे भी आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हो। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप सभी लोगों के लिए ना, इस वीडियो पे आप लोगों के लिए 50,000 रुपीज का गिव अवे भी रखा हुआ है, ताकि जब आप लोग वीडियो को देखो तो उस वीडियो को देखकर आप लोग कमेंट जब करो ना, तो आप लोगों के मन पे भी दो क्वेश्चंस रहेंगे, जो दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो पे पूछने वाला हूं। अगर आप लोगों के जवाब सही होंगे तो सीधा सीधा आप लोग 50,000 रुपीज का कैश अवार्ड विन करोगे। दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होने वाले हैं, और वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए मेरी दो डिफरेंशियल टीम है, आप लोगों के लिए पूरा मैचअप है, हर प्लेयर का, हर बॉलर और बैट्समैन का आप लोगों को मैचअप मिलेगा, हर प्लेयर के आप लोगों को स्टैट्स मिलेंगे, और आप लोगों के लिए दो स्क्रीनशॉट्स भी मिलेंगे, जिस स्क्रीनशॉट की मदद से ही आप लोग इस मैच को इजीली विन कर सकते हो। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, ज्वाइन नहीं किया है ना, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो मैच होने वाला है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, गिव अवे का विनर बनने के लिए ना आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया हुआ पक्का होना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, ताकि पता चले कमेंट तो सही हो गया बट यहां पर लाइक करना भूल गए, बहुत लोगों से होता है, इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करके पूरे वीडियो को देख लो। ओके, ये जो मैच होने वाला है ब्रबॉर्नी स्टेडियम मुंबई में होने वाला है, पहले दूसरे वेन्यू पे होने वाला था बट कोविड सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को पता है कि मैच को ब्रबॉर्नी स्टेडियम मुंबई पे शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए अब मैं आप लोगों को साथ ना ब्रबॉर्नी स्टेडियम का थोड़ा सा पिच के डिटेल शेयर करता हूं, स्टैट्स के साथ जो 8 मैच हुए हैं यहां पर। देखो एवरेज मैच गया था, एक हाई स्कोरिंग मैच गया था, फिर फर्स्ट इनिंग्स हाई स्कोरिंग थी, सेकेंड इनिंग लो स्कोरिंग थी, फिर हाई स्कोरिंग मैच था, 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 फिर हाई स्कोरिंग मैच था। क्या समझ में आ रहा है? सिंपल, पिच का बिहेवियर पता चल गया इस छोटे से एक एनालिसिस से। क्या है? रन दबा के बन रहे हैं दोस्तों, रन दबा के बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कैप्टन और वाइस कैप्टन कहां मिलने वाले हैं? बैटिंग वाले सेक्शन पे मिलने वाले हैं। क्लियर, सिंपल एनालिसिस समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि रन ज्यादा बन रहा है तो कैप्टन वाइस कैप्टन बैटिंग वाले सेक्शन पे ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, बॉलिंग वाले सेक्शन से मिलेंगे ना तो सिर्फ सेकंड इनिंग्स के स्पिनर ही आप लोगों को वाइस कैप्टन बनते हुए देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्लेइंग 11 को। प्लेइंग 11 के साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये स्टैट्स भी दे दे रहा हूं, जिस स्टैट्स का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट रखना है। इस पेज का सभी लोग स्क्रीनशॉट रखोगे, क्योंकि एंड टाइम पे यही पेज आप लोगों के लिए कुंजी का काम करेगी। गाइड तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके, प्लेइंग 11 देखो, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनिंग पे आएंगे, फिर टिम सिफर्ट खेलने आएंगे, ठीक है ना। टिम सिफर्ट की दोबारा से एंट्री होती हुई दिखेगी, क्यों? क्योंकि मार्श है कोविड पॉजिटिव, तो टिम सिफर्ट आप लोगों को यहां पर दिखेंगे, फिर ऋषभ पंत, फिर रोमन पावल, फिर ललित यादव, अक्षय पटेल, फिर शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान और खलील अहमद। ये आप लोगों को प्लेइंग 11 दिखेगी। कौन से सेक्शन पे ये दिखेंगे? ये है लास्ट, इस आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस आपके सामने होगा, आईपीएल में इनका एवरेज, टी20 इंटरनेशनल पे इनका एवरेज, मतलब एक कुंजी है आप लोगों के लिए जिसमें सब कुछ है। नेक्स्ट टीम के प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो, नेक्स्ट टीम के प्लेइंग 11 को अगर आप लोग देखोगे तो शिखर धवन और मयंक अग्रवाल आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है ना। मयंक अग्रवाल की वापसी हो गई है, इस बात को आप सभी लोग याद रखना। शिखर धवन और मयंक अग्रवाल दिखेंगे, फिर जॉनी बेयरस्टो दिखेंगे। दोस्तों ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कैप्टन के कंटेंडर के लिए। ग्राउंड भी आप लोगों को, बैट्समैन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कल के मैच के गेम चेंजर हो सकते हैं। अभी मैं मैचअप देखूंगा, स्टैट्स देखूंगा, फिर आप लोगों को फाइनली बता दूंगा कि कैप्टन बनेंगे कि नहीं। लियाम लिविंगस्टोन दिखेंगे, जितेश शर्मा दिखेंगे, शाहरुख खान आप लोगों को पता है हार्ड हिटर है, ओडिन स्मिथ,
कगिसो रबाडा, राहुल चहर इंपॉर्टेंट होंगे सेकंड इनिंग्स में, जैसे बताया था आप लोगों को मैंने, वैभव अरोड़ा और अर्शदीप सिंह। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में एक्सपेक्टेड है कि स्कोर ज्यादा होगा, स्कोर ज्यादा होगा तो दूसरा टीम क्या करेगी, फास्ट बैटिंग करने की कोशिश करेगी। फास्ट बैटिंग जब करती है तो मिडल ओवर्स में बहुत विकेट जाते हैं, मिडल ओवर में स्पिनर विकेट करने आते हैं तो स्पिनर को विकेट मिलता है। ठीक है, युजवेंद्र चहल याद है ना, युजवेंद्र चहल, मैंने आप लोगों को वीडियो पे क्या बोला था, कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर है सेकंड इनिंग्स के लिए, और आप लोगों ने देख लिया बिल्कुल लगा आप लोगों का कैप्टन और वाइस कैप्टन। लॉजिकली सोचोगे कैप्टन वाइस कैप्टन तक तो इजीली पहुंच जाओगे, मतलब हर मैच में तो नहीं बट 10 में से 6-7 मैच तक पहुंच सकते हो। चलिए अब एक एक करके इनके स्टैट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप होपफुली आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, माई 11 सर्कल ऐप, अगर अभी तक आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड करना है आप लोगों ने, देखो एक तो यहां पर आप लोगों को 2 करोड़ की विनिंग अमाउंट मिलती है 13 लाख के स्पॉट पे, जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, मतलब इतना कम कॉम्पिटिशन है ना, सीरियसली बता रहा हूं, आराम से जीत सकते हो आराम से ये 2 करोड़ रुपए आराम से। अगर मेरे पास टाइम रहा ना तो मैं आप लोगों को मॉर्निंग पे एक वीडियो दूंगा 6 मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स के साथ स्पेशली माई 11 सर्कल के लिए, ताकि आप लोग वहां पर जीत जाओ। बाकी बीट द एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट के टीम को हराते हो तो सीधा पैसा क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी ऐप पे 5 गुना नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग मेरे कोड को यूज करते हो, मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक दे रखा है, अगर आप लोग उस लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो और कोड यूज कर लेते हो क्रिक 20, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, एक तो 1500 रुपए मिलेंगे तुरंत, दूसरा आप लोगों को 20% रियल कैश मिलेगा फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे, ध्यान रखना फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे ही ये ऑफर होता है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम वॉलेट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग पैसा डाल दो, ताकि क्या हो आपका पैसा क्या हो 20% से बढ़ जाए, मतलब 10,000 रुपए डालोगे तो सीधा 12,000 रुपए हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहां पर देखो सेक्शन वाइज सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग विकेट कीपर वाले सेक्शन से। विकेट कीपर वाले सेक्शन पे देखोगे तो आप लोगों को दिखेंगे ऋषभ पंत, इस आईपीएल में इनके परफॉर्मेंस को देखोगे तो 1 43 39 27 34 स्टार्ट हर मैच में लिया है, बट अभी तक कोई बड़ी पारी आई नहीं है एक्सेप्ट 43। क्या इस मैच में आप लोगों को लगता है इनकी बड़ी पारी आएगी? मुझे ऐसा लग रहा है, हाई चांसेस है ऋषभ पंत की एक तगड़ी पारी आने की। ये भी आप लोगों के लिए ना, अगर दिल्ली कैपिटल की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आ जाती है कल, तो ये आप लोगों के लिए कल के एक सीबीसी के अच्छे कंटेंडर रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अगर फर्स्ट राउंड पे आ गए तो समझ लो कल 80-70 रन बनाकर जाने वाले हैं। 2 मैच खेले हैं, 28 रन बनाया है इस वेन्यू पे, 27 इनका बेस्ट स्कोर है, बट यहां देखो 89 मैच पे 15 और 1 16 बार इंपैक्टफुल पारी खेल चुके हैं, जबरदस्त इंपैक्टफुल पारी। टिम सिफर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू में खेले थे, ठीक है ये शुरू के मैचेस खेले थे, लास्ट के मैच नहीं खेले थे, जो शुरू के मैच खेले हैं ना उसमें इन्होंने 21 और 3 रन बनाया है। प्रॉब्लम यही है, स्पिनर को भेज दिया जाता है आउट हो जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर? ठीक है, अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 40 मैच 23 का एवरेज है, बट 84 की एक पारी खेली है, 5 बार हाफ सेंचुरी बनाया है, बट अभी तक कुछ इतने इंपैक्टफुल लग नहीं रहे हैं। वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 21 रन बनाया। हाँ एक चीज है, अगर बाई चांस इन्हें ओपनिंग पे डाल दिया जाएगा तो फिर ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, अगर फील्ड रिस्ट्रिक्शन मिल गया ना इन्हें, मतलब अगर ऋषभ पंत की जगह ये आते हैं फर्स्ट पे, अभी पता नहीं है देखो ऋषभ पंत आएंगे या टिम सिफर्ट आएंगे, अगर ये आ जाएंगे फर्स्ट पे तो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, बट ऋषभ पंत पे ज्यादा मेरे चांसेस लेना आप लोग टिम सिफर्ट के मुकाबले में, क्लियर? ओके, अगले स्लाइड पे आ जाओ दोस्तों, यहां देखो पंजाब किंग्स के विकेट कीपर वाले सेक्शन को देखोगे तो आप लोगों को यहां पर ना 2 बैट्समैन दिखेंगे, एक दिखेंगे आप लोगों को भैया जितेश शर्मा, अच्छा खेल रहे हैं ये वैसे ही है। यहां देखो 26 23 30 लास्ट पे फ्लॉप,
चार मैच 30 का एवरेज है, दो मैच में 49 रन, बेस्ट स्कोर इस वेन्यू पे 26 रन। बट जॉनी बेयरस्टो ना कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए, सीरियसली कल के मैच के लिए एज अ सीवीसी का कंटेंडर बन सकता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखना। इंपैक्टफुल प्लेयर है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है दोस्तों, बट स्कोर तो देखो 8, 12, 12 अभी तक वो पारी निकलकर आई नहीं है। 31 मैच खेले हैं, 38 का एवरेज है इनका आईपीएल पे, बेस्ट स्कोर 114 रन है सिर्फ 31 मैच में, 7 बार 50 और 1 बार सेंचुरी मार चुके हैं। 31 मैच में से 3 मैच हटा दो तो ये सोचो 8 मैच में इंपैक्टफुल पारी, मतलब हर दूसरे या तीसरे मैच में एक इंपैक्टफुल पारी आती है इनसे, 3 हो गया है ना, अब एक इंपैक्टफुल पारी पक्का है कल, बस कैप्टन तक की पारी आ जाए, मतलब 40-50 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट ऐसा हो जाए कि अगर 80+ बना देते हैं ना तो मजा आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना इस प्लेयर पे कल। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के बैटिंग सेक्शन को देखते हैं, पृथ्वी शॉ अच्छा खेलते हैं बट जल्दी आउट होते हैं, बट इस बार तब भी सही खेल रहे हैं। यहां देखो तो एक बार 38 रन बनाया है इन्होंने, ठीक है, उसके बाद यहां पर 38 बनाया है, फिर 10, फिर 61, फिर 51, फिर 16, 58 मैच में 25 के एवरेज से खेलते हैं, बेस्ट स्कोर है 99, 12 बार इंपैक्टफुल पारी खेल चुके हैं दो मैच पे, बट इस वेन्यू पे अच्छा खेलते हैं इस बात को ध्यान रखो, दो मैच 89 रन, 51 का बेस्ट स्कोर, मतलब एक स्कोर अगर 59 है तो दूसरा स्कोर कितना है यहां पर 38 है, मतलब दूसरा स्कोर भी ठीक है, मतलब इस वेन्यू पे ये दो स्कोर है इनके, यहां पर ये खेले थे और यहां पर ये खेले थे, ठीक है, तो 38 और 51 दोनों में अच्छा स्टार्टअप इन्हें मिला हुआ है। ओके नेक्स्ट देखो डेविड वार्नर, डेविड वार्नर को अगर आप लोग देखोगे ना तो यहां देखो 61 और 66 दो जबरदस्त पारी खेलती इन्होंने, पहले मैच में फ्लॉप हुए थे, अब प्लेयर है ही शानदार, एक चीज दिखाऊंगा बड़ी ही इंटरेस्टिंग इनकी, मजा आ जाएगा आप लोग, 153 मैच पे 44 के एवरेज से खेलते हैं, बेस्ट 126 है, और ये चीज देखो यार 52+4 56 इनिंग्स आउट ऑफ कितना 153 इंपैक्टफुल पारी खेलकर गए हैं, 56 इनिंग्स पे अच्छा पारी खेला है आउट ऑफ 153, इसका मतलब रेशियो देखोगे ना तो लगभग लगभग तीसरे मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते ही है, यहां तो लगातार ही दे दिया है, क्लियर, बहुत ही शानदार प्लेयर है दोस्तों आप लोगों के लिए। इस वेन्यू पे देखोगे 3 मैच पे 116 रन, बेस्ट 61 का है यहां। ओके नेक्स्ट आ जाओ रोवन पावर पे, सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर खेल चुके, बढ़िया खेल चुके, एक्सेप्ट 2 प्लेयर, निकोलस पूरन, काइरन पोलार्ड, तीनों में सॉरी, और रोमन पावर, इनकी ना अभी तक जो ये है एक्चुअल में ना वो दिखा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, इतना हाई पोटेंशियल प्लेयर है बट पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब जिस दिन ये खेलेगा ना, अगर आप लोगों ने इसे खेलते हुए नहीं देखा है ना, आप लोग बोलोगे कि यार क्या खेलता है ये बैट्समैन, इतनी लंबी लंबी हिटिंग और नॉन स्टॉप हिटिंग मारेगा, शिमोन हिटमायर बढ़िया खेल रहा है ना बढ़िया, ये ना उसका भी मतलब पापा है पापा, अगर ये जम जाता है तो जबरदस्त बैट्समैन है दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेगा ग्रैंड लीग का गेम चेंजर प्लेयर है, बट अभी तक क्यों नहीं बना है समझ में नहीं आ रहा है, होपफुली कल ये आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग को गेम चेंज करता हुआ दिखेगा, ये बॉलिंग भी अच्छा करता है बट इसे बॉलिंग भी नहीं कराया जा रहा, इंटरनेशनल मैच में ये बॉलिंग करता है दोस्तों, बट आईपीएल में फ्लॉप, कंप्लीटली फ्लॉप, वेन्यू पे भी फ्लॉप, हर जगह फ्लॉप, बट प्लेयर शानदार है दोस्तों, देखो कितना मासूम सा प्लेयर, ठीक है, प्लेयर जबरदस्त है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखना, जबरदस्त है, मतलब मजा आ जाता है इसकी बैटिंग देखने में मुझे। ओके पंजाब किंग के बैटिंग वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो यहां देखो आप लोग मयंक अग्रवाल लास्ट 5 मैच में 32, 1, 4, 5, 52 105 मैच खेले हैं, 23 का एवरेज है, 106 बेस्ट स्कोर है, 12+1 मतलब 13 बार इंपैक्टफुल पारी खेली है 105 मैच,
मतलब इतने इंपैक्टफुल तो नहीं रहते हैं। जैसे इंपैक्टफुल आप लोगों को डेविड वार्नर दिख रहे हैं ना, उस स्किल पे इंपैक्टफुल नहीं दिखते, या जितने इंपैक्टफुल आप लोगों को शिखर धवन दिख रहे हैं उस लेवल के इंपैक्टफुल आप लोगों को नहीं दिखते। ऐसे प्लेयर को मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोगों ने ट्राई करना है, बट जो इंपैक्टफुल प्लेयर जिन्हें मैं बोलता हूं ना, उन्हें आप लोगों ने हेड टू हेड और स्मॉल लीग पे पक्का से ट्राई करना है। क्लियर? ओके। वेन्यू पे भी कुछ खास किया नहीं है, 3 मैच खेले हैं, 20 रन बनाए। शिखर धवन की बात करूं तो शिखर धवन भी शानदार बैट्समैन है, बट एक लंबी पारी इनकी भी नहीं आई है। यहां फ्लॉप, यहां चलो ओके, यहां चलो ओके, यहां अच्छा किया और यहां पे फिर से फ्लॉप। बट इनका भी देखो जरा करियर, 198 मैच में से 45+2 47 मैच में ये भी शानदार परफॉर्म करके आ रहे हैं। मतलब हर, अगर आप लोग देखोगे, चौथे मैच में आप लोगों को परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, हर चौथे मैच में। एक पे फ्लॉप हुए, दो में फ्लॉप हुए, तीसरे में फ्लॉप हुए, चौथे में आके परफॉर्म कर गए। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ब्लॉक देखोगे ना तो 1 2 3 4, अब ये कहां परफॉर्म करेंगे ये नहीं पता, बट हाँ 3 अगर फ्लॉप है ना तो मान के चलो यहां तो करेंगे ही करेंगे। तो यहां का एक फ्लॉप तो लग चुका है, अब 3 ब्लॉक में एक जगह ये दोबारा से बहुत ही बढ़िया इंपैक्टफुल पारी खेल के निकलेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो शाहरुख खान को। शाहरुख खान 4 डाउन पोजीशन पे आते हैं, इंपैक्टफुल प्लेयर है अगर बैटिंग की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। क्लियर? लंबे हिटिंग मारते हैं, अपने टीम के ये गेम चेंजर प्लेयर हैं अपने टीम के। क्लियर? बट अभी तक इनका भी कुछ खास सीजन नहीं चला है। आईपीएल में भी एक ही बार इन्होंने 47 रन किया है और इतने इंपैक्टफुल नहीं जितने रोमन पावल आप लोगों को बनते हुए देख सकते हैं। 2 मैच 21 रन बनाए हैं, बेस्ट स्कोर 15 ही है इस वेन्यू पे। वेन्यू पे भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाओ अब आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन से, लेकिन गिव अवे का पहला क्वेश्चन सुन लो दोस्तों। गिव अवे का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भैया बैटिंग वाले सेक्शन से ना, बैटिंग वाले सेक्शन से, मतलब बैटिंग में सब लोग आ गए, ठीक है ना, आप लोगों के जो भी बैटिंग हो, मतलब ऑलराउंडर भी बैट्समैन हो सकता है, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाएगा और कितने रन बनाएगा। सपोज करो आपको लगता है कि हाँ शिखर धवन सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है, तो आप लोग लिख देना शिखर धवन और बगल में लिख देना कि भैया 78 रन बनाने वाला है, ऐसे लिख देना आप लोग। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, दोनों क्वेश्चंस को सुन के एक साथ जवाब देना, ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। और कंडीशन है कि दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना। लोग एक क्वेश्चन सही देते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि मेरा आंसर सही है। दोस्तों आप लोगों का आंसर तभी सही माना जाएगा जब आप लोगों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे, प्लस आप लोगों का कमेंट एडिटेड कमेंट नहीं होना चाहिए, प्लस आप लोगों का कमेंट मैच स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए। 3 बात है, तीनों कंडीशन को फुलफिल करना है, प्लस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को पूरा देखा होना चाहिए, चैनल आप लोगों का सब्सक्राइब होना चाहिए, ये कंडीशंस तो है ही है। अच्छा यहां देखो, आप देखो ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आप लोगों को दिखेंगे ललित यादव और दिखेंगे साथ में अक्षय पटेल। ललित यादव शुरू के 2 मैच में तो बैटिंग से अच्छा कर रहे थे, उसके बाद के 2 मैच में बॉलिंग पे ठीक ठाक करने लग गए, उसके बाद कुछ नहीं करने लग गए। 12 मैच खेला है, 28 का इनका एवरेज है, 6 विकेट है इनके पास, 6 विकेट का अगर 12.5-12 भी मानो तो ठीक है प्लेयर। वैसे मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई किया जा सकता है, 40 पॉइंट का एवरेज बन रहा है इसका। ठीक है, प्लेयर सही है, 2 मैच खेले हैं इस वेन्यू पे, 49 रन बनाया है, बेस्ट स्कोर इस वेन्यू पे ही है 48 का यहां पर, प्लस एक विकेट भी मिला इन्हें यहां पर मिला होगा। तो मतलब वेन्यू पे बैटिंग बॉलिंग दोनों सही कर रहे हैं, या तो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब एक काम तो कर ही रहे हैं। अक्षय पटेल की मैं बात करूं ना, तो मेरा बेस्ट प्लेयर था ये इस आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, हर मैच पे लेकर चलता था मैं, क्योंकि ये बैटिंग पे भी अच्छा कर लेता था और बॉलिंग भी सही करता था, बट इस आईपीएल पे इसका भी कुछ नहीं हो रहा है। यहां देखो तो 38 रन बनाया, उसके बाद यहां फ्लॉप, यहां फ्लॉप, यहां फ्लॉप, लास्ट मैच में चलो 1 विकेट मिला। बट करियर अगर आप लोग इनका देखोगे ना, 114 मैच खेले हैं, 18 के एवरेज से खेलते हैं, 96 विकेट भी है इनके पास,
मतलब एक विकेट का 25 पॉइंट मानूं तो 18 प्लस 25 कितने हो गए आप लोगों के, 18 प्लस 25 43 हो गए, समझ रहे हो ना। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। यहां अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लिविंगस्टोन दिखेंगे और आप लोगों को दिखेंगे ओडिन स्मिथ। लिविंगस्टोन सेकंड डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, ओडिन स्मिथ फिफ्थ डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं। लिविंगस्टोन की पारी अगर देखोगे तो यहां फ्लॉप रहा है, यहां गेम चेंजर, यहां गेम चेंजर, यहां गेम चेंजर, यहां फ्लॉप। पांच मैच में से तीन मैच पे गेम चेंजर पोजिशन पे रहे हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहते हैं अगर पीबीकेएस की टीम पहले बॉलिंग करने आ जाए, बैटिंग करने आ जाए तो, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स पे स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं, फर्स्ट इनिंग पे ये बैटिंग बढ़िया करते हैं। वेन्यू इन्हें बहुत पसंद है दोस्तों, दो मैच खेले हैं, 124 रन बनाया है, मतलब ये 64 और 60 इनके इसी वेन्यू के हैं, प्लस विकेट भी मिले हैं, मतलब इस बात को ध्यान रखना वेन्यू पे जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अगर पीबीकेएस की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आ जाए तो सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट, थ्री स्टार। ओडिन स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस यहां ठीक था, यहां चलो एक विकेट था, यहां तो जबरदस्ती था, बट ये लास्ट ओवर पे था, इस बात को ध्यान रखना, यहां भी कुछ खास नहीं था। छह मैच खेले हैं, 17 का इनका एवरेज है, 6 विकेट है, प्लेयर ठीक ठाक है, मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई किया जा सकता है। बॉलिंग इतना नहीं कराते हैं, कराते कभी एकदम से करा लेते हैं, क्यों, क्योंकि पीबीकेएस का एक चीज मैंने देखा है, ये बॉलर्स को ना सही से रोटेट नहीं कर पा रहे, मतलब डेथ ओवर्स करने के लिए बॉलर ही नहीं रहते इनके पास, मतलब पता नहीं किस हिसाब से करा रहे हैं। ठीक है, मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, वरना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट देख लो, आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन पे आते हैं, फटाफट से देखते हैं एक एक बॉलर को। यहां देखो शार्दुल ठाकुर, यहां अच्छा किया, यहां अच्छा किया, यहां ठीक था, 66 मैच 55 विकेट, वेन्यू पे 7 ओवर डाल के 2 विकेट ले रखे हैं। कुलदीप यादव जबरदस्त फॉर्म पर है, यहां 3 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 4 विकेट, एक एक विकेट तो मिला ही हुआ है। 50 मैच 51 का एवरेज, वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 8 ओवर डाला है, 7 विकेट ले रखा है, समझ रहे हो, इस वेन्यू पे ये जबरदस्त करते हैं कुलदीप यादव, ध्यान रखना यहां 3 विकेट है, यहां 4 विकेट है, मतलब इस वेन्यू पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्तफिजुर रहमान की अगर मैं बात करूं तो इनका फॉर्म भी बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब, मतलब ये शानदार बॉलर है, होपफुली कल के मैच में ये भी आप लोगों को अच्छा करते हुए दिखे, कल के मैच में ये आप लोगों को अच्छा करते हुए दिखने चाहिए। 42 मैचेस खेले हैं, 41 विकेट ले रखे हैं, बट 4 मैच से कुछ खास, 3 मैच से तो फ्लॉप ही चल रहे हैं, तो इनका भी कवर अप आने के चांसेस है, 2 विकेट होपफुली इन्हें भी मिल जाएगा कल। खलील अहमद का फॉर्म जबरदस्त है भैया, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, मतलब इन्हें विकेट मिल रहा है, 28 मैच में 40 विकेट मिल चुका है, इस वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 8 ओवर कराया है और 5 विकेट मिले हैं, 3 विकेट, मतलब ये वेन्यू ना कुलदीप यादव को भी पसंद है, ये वेन्यू आप लोगों के खलील अहमद को भी पसंद है, ध्यान रखना दोनों पे। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग बॉलिंग सेक्शन को देखोगे तो यहां देखो आप लोगों को कगिसो रबाडा दिखेंगे, आप लोगों को राहुल चहर दिखेंगे, आप लोगों को वैभव अरोरा दिखेंगे और अर्शदीप सिंह दिखेंगे। सबसे खराब परफॉर्मेंस अर्शदीप सिंह का, यहां देखो यहां 0 विकेट, यहां 1 विकेट, 0 0 0, 29 मैच में 32 विकेट है, विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, बट विकेट मिल ही नहीं रहा, ध्यान रखना मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई कर सकते हो, किसी दिन आएगा तो बम फोड़ के ही आएगा। वैभव अरोरा को देखो तो यहां एक बार 2 विकेट मिले थे, फिर 1 विकेट मिला, फिर उसके बाद ये भी विकेट लेस गए, इतना इनकी भी बॉलिंग कुछ इतनी इंपैक्टफुल नहीं है, वही है डेड डेथ पे बॉलिंग करने आते हैं तो मिल गया वाली बात है। अर्शदीप सिंह से बट बहुत उम्मीद रहती है सभी को, गेम चेंजर बन सकते हैं, मेगा ग्रैंड लीग पे पक्का से ट्राई करना। राहुल चहर इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वेन्यू पे,
दो मैच खेले हैं, दो चार विकेट लिया है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये। स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में मैंने आप लोगों को बोला हुआ है स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। कगिसो रबाडा को आप सभी लोग पहचानते हैं, विकेट टेकर है, बट अभी तक सीवीसी बने नहीं है, जनरली बनते हैं। चार विकेट चार बार ले चुके हैं 55 मैच पे, एज अ बॉलर 55 मैच में चार बार विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्लियर, इनका भी ड्यू है सीवीसी का एक मैच, बहुत जल्दी आएगा इनका, कल ही ना आ जाए। ये आप लोगों के लिए दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन के साथ पूरा कंप्लीट एनालिसिस हुआ। अब देख लो फटाफट से मैचअप को। मैचअप से पहले सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताना कि भैया बॉलिंग वाले सेक्शन से ना, सेकंड क्वेश्चन, बॉलिंग वाले सेक्शन से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा प्लेयर लेकर जाने वाला है और कितना लेकर जाएगा। क्लियर, जैसे कगिसो रबाडा ब्रैकेट डाल के 3 विकेट, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन बता दो 50,000 आपके। मैचअप में एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा, कगिसो रबाडा के आगे ना डेविड वार्नर बहुत स्ट्रगल करते हैं, 39 बॉल पे 3 बार आउट हो चुके हैं। मैचअप जबरदस्त मैचअप होगा क्योंकि ये भी ओपनिंग पे बॉलिंग करने आएंगे और डेविड वार्नर भी ओपनिंग पे खेलने आएंगे, समझ रहे हो। तो डेविड वार्नर कगिसो रबाडा से बच के रहना भैया। राहुल चहर को देखोगे तो इन्होंने पृथ्वी शॉ को आउट कर रखा है, बट राहुल चहर के आने तक पृथ्वी शॉ गेम चेंज कर चुके होंगे तो कुछ मेजर इंपैक्ट इन्हें नहीं दिखेगा। अर्शदीप सिंह ने पृथ्वी शॉ को आउट करा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, बट एक ही बार आउट किया है तो इतना तगड़ा मैचअप नहीं है। असली मैचअप कल के मैच पे कगिसो रबाडा और डेविड वार्नर के बीच में होने वाला है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टीम का मैचअप दिखाता हूं आप लोगों को, तो यहां देखो आप लोग, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। क्या है इंटरेस्टिंग बात, यहां देखो, शिखर धवन यहां आउट हो रखे शार्दुल ठाकुर से, शिखर धवन यहां आउट हो रखे कुलदीप यादव से, और शिखर धवन यहां आउट हो रखे के अहमद से। इसका मतलब क्या है, शिखर धवन को काफी बॉलर परेशान कर रहे हैं। डेविड वार्नर कगिसो रबाडा के सामने स्ट्रगल कर सकता है, शिखर धवन के सामने शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और के अहमद तीनों ही मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये मेगा ग्रैंड लीग पे यूज करने हैं इन सारे ट्रिक्स को आप लोगों ने। बाकी मैचअप्स अगर आप लोग देखोगे तो बाकी कोई मेजर मैचअप्स आप लोगों को नहीं दिखेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर दिखेगी कि भैया बेयरस्टो को कोई आउट नहीं कर पा रहा है। क्लियर, तीनों, इसीलिए मैंने बोला था बेयरस्टो इंपॉर्टेंट सीवीसी का कंटेंडर है क्योंकि किसी भी बॉलर के आगे स्ट्रगल नहीं कर रहा है। बट असली मैचअप वही है, कगिसो रबाडा का और यहां पर शिखर धवन का बॉलिंग वाले सेक्शन से। ओके दोस्तों, अब देख लीजिए फाइनल टीम मेरी, फाइनल टीम जिस टीम के साथ आप लोग जा सकते हो, लाइनअप के बाद अगर चेंज करना है तो आप लोग इस पे चेंज कर सकते हो। ऋषभ पंत जेबीएस्टो, ऋषभ पंत जेबीएस्टो, यहां देखोगे तो शिखर धवन मयंक अग्रवाल के साथ है, वहां पर यहां पर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के साथ है, लिविंगस्टोन और ओडिन स्मिथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग वाले सेक्शन पे कुलदीप यादव, कगिसो रबाडा, के अहमद और शार्दुल ठाकुर आप लोगों के लिए होंगे। वही दूसरे टीम पर अगर आप लोग देखोगे तो वरुण अरोरा, कगिसो रबाडा, अक्षय पटेल, के अहमद, कुलदीप यादव, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल और डेविड वार्नर। ये एक तरह से आप लोगों के लिए एक बेस टीम है दोस्तों। इस बेस टीम पर ही ना मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इस बेस टीम पर ही मैं आप लोगों को बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे कि फाइनल टीम कौन सी होने वाली है। तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे, उसे आप सभी लोग पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो पे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कंप्लीट एनालिसिस। कैप्टन और वाइस कैप्टन के मैंने आप लोगों को कुछ कंटेंडर्स बताए हैं, उन कंटेंडर्स पे आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। बाकी स्मॉल लीग और मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग पक्का से ज्वाइन करके रख लीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए, और माई 11 सर्कल ऐप, जिस ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया था ना, उस ऐप को भी जाके पक्का से डाउनलोड कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन पे उस ऐप का लिंक है, क्रिक 20 मेरा कोड है, मेरे कोड से आप लोगों को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ एक
लक फैक्टर भी मिलेगा जो आप लोगों को वहां पर विन कराएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए एंड थैंक यू वेरी मच। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।